अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आप गोल्ड ट्रांसमिट में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे अपना आईडी बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है, गोल्ड ट्रांसमिट। ठीक है, इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने साइन अप में जाना है। ठीक है, ये साइन अप में गए आप तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र आईडी देना है। एक्सपोज ये मैं यूज़र आईडी एक रख लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, 0 7 4 3 4 6 0 3 3। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। रिपीट पासवर्ड। यहाँ पे आपने रेफरल कोड डालना है, जिसके साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको एक नंबर प्रोवाइड करेगा, वो आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, ये नंबर इधर आ गया। यहाँ पे आपने एजेंट नंबर देना है, वो भी आपको वो बंदा जो भी रेफरल होगा वो आपको एजेंट नंबर भी सेंड करेगा। तो मैं वो चेक कर लेता हूँ कि मैंने कौन सा एजेंट नंबर लगाना है। जी दोस्तों, यहाँ पे नंबर लगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन कोड का बटन दबाना है। एक मोबाइल पे आपकी सिम पे एक मैसेज आएगा, कोड आएगा, वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो ये मैं कर देता हूँ आपके सामने। जैसे ये मैंने किया तो यहाँ पे काउंटर चल रहा होगा, इससे पहले पहले आपको एक मैसेज आ जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे लगाना है। तो वो कोड मुझे आ गया, मैं अब चेक करके इस पे लगाता हूँ। जी 4 9 5 6। जी ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें कंप्लीट करके तो आपने साइन अप का बटन क्लिक कर देना। और साइन अप का बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने जस्ट ये फिलअप जैसे मैंने किया वैसे फिलअप करके आपने ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपका ये अकाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। अभी ये आपका फ्री अकाउंट है, और फ्री अकाउंट में आप सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, और जो आप शॉपिंग करेंगे उसके आपको पॉइंट रिटर्न हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और जब आपने इसके आगे वर्किंग करनी है तो उससे पहले आपने अपना पैकेज अपग्रेड करना है, कंपनी की मेंबरशिप लेनी है जो कि 10,000 से शुरू होती है। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप अपना फ्री अकाउंट बना लें।